Yes, what is the Children. meaning of PWSN? Children with special needs. Children with special needs. वेरी गुड कव्य। हाँ जी आया पुत्र, बहुत चिंतित सी है कि गया कितने हो। चल तू इधर आ जा, पुलकित कम लेफ्ट साइड एंड सिट है बेटा, नो प्रॉब्लम। यस लिसन, दिस इज रिगार्डिंग द, कल हमने डिस्कस किया था कि पैरा ओलंपिक का नॉर्मली बता रहे थे व्हाट दे आर, या पैरा ओलंपिक क्या है, पैरेलल टू द ओलंपिक गेम्स वेयर द डिसेबल्ड पर्सन जितने भी हैं ड्यू टू मैनी फैक्टर्स आर देयर, कि वो कैसे डिसेबल हैं या नॉट इन अ नॉर्मल फॉर्म है, तो उनके लिए भी ये गेम्स हैं। ठीक है, चाहे इंटेलेक्चुअली डिसेबल है चाहे फिजिकली डिसेबल है, उन सबके लिए भी जो गेम करवाई जाती हैं इंटरनेशनल लेवल पर मल्टी इवेंट्स की, उसे हम कहते हैं पैरा ओलंपिक। ठीक है, इसके बारे में हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था पैरा ओलंपिक का, जब ओलंपिक मूवमेंट्स की बात हुई थी तो हमने पैरा ओलंपिक के बारे में भी पढ़ा था कि किस तरीके से जॉन कैनेडी की सिस्टर यूनाइस कैनेडी शिवरेन ने एक स्टार्ट किया था, जब उसने ये देखा था कि सच टाइप्स ऑफ पीपल्स आर नेग्लेक्टिंग और अवॉइड बाय द सोसाइटी एंड दे आर ऑल्सो गॉड गिफ्टेड यूनिक पर्सनैलिटी, हर एक के में, हर एक में क्वालिटीज जो है वो यूनिक होती हैं, इनमें भी हैं, तो उनकी क्वालिटीज को उन्हें सोसाइटी में ये फील करवाने के लिए कि दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, उन्हें एक कैंप उसने अपने घर के बाहर लगाया था, बैकयार्ड में लगाया था, जहां पर उन लोगों से उनको लोगों को वहां पर उसने ट्रेनिंग दी या उनके लिए एंटरटेनिंग का पार्ट किया। एंड शी सॉ एंड फील कि ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम इनकी तरफ थोड़ा सा भी ध्यान दें। ठीक है ना बेटा, बाकियों में तो प्रैक्टिस है। ऑब्वियसली कोच मीन्स गिविंग अ ट्रेनिंग टू सम पर्सन, ठीक है, वो जरूरी नहीं है एक नॉर्मल पर्सन ही हो, जो भी पर्सन है या जो भी बच्चा है या जो भी है, उसे ट्रेनिंग देकर उसे टीच करके हम कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं, टू फाइंड टू सर्च देयर एबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, उनमें कौन सी क्वालिटीज है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रमोट करते हैं, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कॉन्टेक्ट आई टू आई होने चाहिए, फ्रेंडली हमारा बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि बिहेवियर ऑलवेज पे अलॉट, पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर दोनों चीजें किसी चीज को आसमान पर ले जाती है तो किसी को डाउन पर भी कर देती है। हाउ टू मोटिवेट दैम, ऐसे लोगों को मोटिवेट कैसे किया जाता है, इसीलिए जो न्यू पॉलिसी आई है उसमें इंक्लूसिव स्टडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है। इंक्लूसिव स्टडी जिसके बारे में कल बताया गया था, इंक्लूसिव स्टडी है जहां पर अंडर वन रूफ ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स विल गेट द एजुकेशन, मे बी उनकी ग्रुपिंग थोड़ी बहुत कर दी गई होगी, लेकिन उन्हें नॉर्मल लोगों के साथ बिठाकर पढ़ाया जाता है ताकि उनमें जो क्वालिटीज हैं, क्योंकि आम देखा जाता है बेटे, अगर हम एक ही एज यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉर्मल, अगर 40% वाले बच्चे हैं उनमें से अगर हम 50 वाला लगाएंगे उसका लेवल थोड़ा ऊंचा तो है, लेकिन क्या है, दैट इज आल्सो अलाइव, उनकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा नहीं होगी, रीजन बीइंग क्योंकि उसे लगेगा ये 40 का 50 तक है। अगर हम 40 वाले को 70 के साथ बिठाएंगे थोड़ा कंपैरिजन होगा, थोड़ा सा बूस्टअप भी होगा कि मुझे इतने नंबर लाने चाहिए, 100 वाले के साथ बिठाएंगे कहीं पर डाउन भी हो सकती है उसकी जो रेंज है, लेकिन क्या होगा, मोटिवेट भी हो सकता है और गुड रिजल्ट भी दे सकता है। इन द सेम वे व्हेन आर डिसेबल्ड, किसी भी तरीके के, चाहे वो विदाउट लिम्ब वगैरह हैं या डेफ हैं या डम हैं या ब्लाइंड हैं, ऐसे बच्चों को, सिर्फ एक्सेप्ट ब्लाइंड बेटा एंड डेफ, उनका क्या है, क्योंकि उनकी ब्रेल लिपि होती है जिसके द्वारा वो पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसलिए उनकी कॉम्बिनेशन नहीं करते, अदरवाइज जो देख सकते हैं उन्हें इकट्ठे बिठाकर पढ़ाया जा सकता है। इंटेलेक्चुअल अगर प्रॉब्लम है ब्रेन की है या मोटर इसकी है, तो फिर हो सकता है उनका ग्रुप अलग कर दिया जाता है, इन्हें मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स के साथ खिलाया जाता है, इनके साथ हेल्पफुल रहता है फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर रूल्स आल्सो इन देयर इक्विपमेंट्स आल्सो इन्हें, ताकि ये आराम से खेल सके। उसी का मैंने कल एग्जांपल दो दे रही थी आपको, एक मैंने दिया था आर्यमन सिन्हा का दिया था, तो कल आई थी, कल कौन कौन बच्चे आए थे, उसमें से मुझे एक ने जवाब दिया था कि आर्यमन के बारे में हमने सुना हुआ है, शी वॉज अ वॉलीबॉल प्लेयर थी, ठीक
ठीक है ना, ड्यू टू एक्सीडेंट शी लॉस्ट हर नेक्स, ठीक है, दोनों टांगे उसकी चली गई थी रेल ट्रैक के नीचे आके, और उसके बाद भी उसने अपनी जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग रखा और उसने अप्रोच की थी कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, ऐसे ही साउथ अफ्रीका का ब्लेड मैन की मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दी थी कि हु इज ब्लेड मैन, उसका नाम है ऑस्कर, ठीक है, नेम उसका ऑस्कर कार्ल नेक्स्ट है, और उसकी प्रॉब्लम यह थी कि उसकी टंग में एम्पुटेशन हो रखी थी, मतलब कटी हुई थी नीज से भी ऊपर थी, आर्टिफिशियल लेग्स लगी हुई है उसको, लेकिन वो सिर्फ चलने के लिए है। जब उसने रनिंग, क्योंकि वो 200 ट्रैक में 200 मीटर की जो स्प्रिंट है उसमें उसने पोजीशन होल्डर है ओलंपिक में, ठीक है, नॉर्मल में, उसके लिए वो ब्लेड मैन क्यों कहा गया है, क्योंकि उसने स्पेशल जो है आयरन की लेग्स बनवाई हैं जिसके द्वारा वो रनिंग करता है, एंड ही इज अ पोजीशन होल्डर। ठीक है, ऐसे ही कल मैंने एग्जांपल दिया था दीप मलिक का, दीपा मलिक का, हरियाणा की, जिसके प्रॉब्लम ये हुई थी कि बचपन में उसके स्पाइन की प्रॉब्लम हुई थी, ट्यूमर था उसके स्पाइन में, और वहां पर जिसके कारण उसकी काफी बार सर्जरी हो गई और लास्ट में उसका जो लोअर पोर्शन है बॉडी का वो टोटली खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ है, उसके टोटली खत्म होने के बावजूद भी शी इज ऑन द व्हील चेयर एंड शी इज अ पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट। ठीक है, शॉटपुट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, स्विमिंग, ये सब वो बहुत आसानी से करती है, यहाँ तक कि बाइक राइडिंग का भी उसका स्पेशल, क्योंकि आपने आम देखा होगा जो लेग्स में प्रॉब्लम हो जिनके, हम नॉर्मली देखते हैं कि उनकी जो बाइक्स वगैरह है उनको सपोर्टिंग दिया होता है एंड दे आर ड्राइविंग देमसेल्फ्स, देखते हैं ना, हम इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं, ये क्या है, मॉडिफिकेशन इन द व्हीकल्स ताकि वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो। ये चीजें क्या है, ये इंक्लूसिव के अंडर आ गई है कि अंडर वन रूफ ऐसे बच्चों को हमने टीचिंग देनी है, उन्हें मोटिवेट करना है, दिस फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन कि नहीं इस बच्चे को कौन सा आएगा हमने नहीं कराना, उसे भी साथ में लिया जाता है उसके बेटरमेंट के लिए, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट्स उनकी भी होती है और कई बार काफी हद तक उनमें इम्प्रूवमेंट्स भी आती हैं। ठीक है बेटा, अब इसी में हम लेते हैं नॉर्मली काउंसलिंग करना, इसके प्रोफेशंस भी अलग अलग हैं जब ऐसे लोग होते हैं, या नॉर्मल काउंसलिंग का मतलब जानते हो ना, किसी को बार बार किसी चीज के एग्जाम्पल्स किसी के बारे में बताकर या कुछ उन्हें स्पेशल अटेंशन देकर उन लोगों को मोटिवेट किया जाता है और रिवार्ड्स देके उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, ऐसे काउंसलिंग जो है वो आम लोगों की होती है ताकि उन्हें बताया जाए, उनकी केयर की जाए। यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी सोसाइटी के सपोर्ट के साथ साथ सबसे पहला सपोर्ट हमारे पेरेंट्स का होता है। नॉर्मली आम घरों में देखा जाता है देर इज अ बायस इन अ जेंडर्स, जेंडर्स में भी बायस होते हैं पेरेंट्स, ठीक है ना, वहां पर केयर नहीं होती है कई बार गर्ल्स की, और फिर जो स्पेशल चिल्ड्रन होती है दे समटाइम्स फील अ शेम फॉर दिस, रादर देन टू गिव अ सपोर्ट टू देयर चिल्ड्रन और देयर चाइल्ड दे फील शाय कि हम बाहर लेके जाएंगे कोई हमारी बातें करेगा, इन दिस कॉम्प्लेक्स वो अपने बच्चे की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं देते, वो सिर्फ इसी अंडर, इसमें वो खुद भी डिप्रेशन में होते हैं और बच्चे की भी इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट में हेल्पफुल नहीं रहते, तो पेरेंट्स का यहाँ पर सपोर्ट बहुत जरूरी है, दैट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स का सपोर्ट हो, दे कैन अंडरस्टैंड देयर वॉट कि हमें या इसको क्या जरूरत है, इसे मैंने कैसे आगे बढ़ाना है। अगेन आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ तारे जमीन पर, ठीक, देखिए ना पिक्चर, उसमें फादर वॉज नॉट सो मच, ही वॉज ऑल्सो ऑलवेज कंपेयर हिज नॉर्मल चाइल्ड विद लिटिल बिट एब्नॉर्मल चाइल्ड, ठीक है ना, वो दोनों में कंपेरिजन में ही रहता है जिसके कारण ही फील शेमफुल टू हिमसेल्फ कि कैसे मैं दूसरे किसी को इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि ही इज ऑल्सो माई चाइल्ड एंड दिस वन इज ऑल्सो, और जिसके कारण उसकी जो क्वालिटीज हैं उसे उसका फादर पहचान ही नहीं सका या उसके पेरेंट्स उस चीज को बता ही नहीं कर पाए कि हमारे बच्चे में क्या क्या क्वालिटीज हैं,
एंड लेटर ऑन दिस वाज सर्च बाय और फाइंड बाय देयर टीचर, और उसने उसे इम्प्रूव किया, उस बच्चे की उस क्वालिटी को शो किया कि ये क्वालिटी है इस बच्चे में, इसे आगे बढ़ना चाहिए। अब नॉर्मली इनमें बेटे प्रोफेशंस भी हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन में करियर ऑप्शंस आपने पढ़े थे, ठीक है ना, टीचिंग का है, करियर एडमिनिस्ट्रेशन में है, हेल्थ रिगार्डिंग है, कोचेस हैं, प्लेयर्स हैं, देन चीयर लीडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं। फिजिकल एजुकेशन के इसमें काफ़ी सारे फील्ड हैं, जहाँ पर हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था ना करियर ऑप्शन में, कि कितने सारे ऐसे नॉर्मल ऑप्शन हैं जहाँ पर हम अपना करियर बना सकते हैं। उनमें ही आते हैं स्पीच थेरेपिस्ट, नॉर्मल थेरेपिस्ट, काउंसलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। ये क्या करते हैं, दीज आर हेल्पफुल टू सच टाइप ऑफ डिसेबल्ड पीपल। कई बार क्या होता है, हमारी टांगों में या हमारी बैक में, रीजन बीइंग पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है सबसे पहले, बिकॉज वी हैव लर्न दैट चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। 5 साल का या 3 साल का सबसे पहले बच्चा जो है वो घर पर ही होता है, उसके बाद वो सोसाइटी में आता है जहाँ पर वो सोशलाइज होना सीखता है। बिफोर दैट अ चाइल्ड इज एट होम, उसकी लर्निंग, उसके रेयरिंग में हेल्पफुल होते हैं उसके फैमिली मेंबर्स, ठीक है ना बेटा, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ डिफॉर्मेटीज होती हैं, डिफॉर्मेटी का मतलब जानते हो बेटा, डिफॉर्मेटी किसको बोलते हैं, एनी वन ऑफ यू, पूछा करो ना फिर बेटा। ये तो मेरी तरफ से बोला गया, तुम्हारे आधी चीजें तो यहाँ से जा रही होंगी, आधी यहाँ पे और आधी आंखों बंद में। डिफॉर्मेटी क्या होती है, व्हाट इज डिफॉर्मेटी, फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेटी क्या होती है, बनतर, पंजाबी में बनावट कहते हैं, ठीक है, हमारी फॉर्मेटी है ना, बिल्कुल सीधे खड़े हैं, स्पाइन सीधी है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चों की This is called distraction. Till that time, he will not listen and not be getting. कई बच्चों की आपने देखा होगा टांगें जुड़ी हुई, यहाँ से लेग्स जो है ना नीज से जुड़ी होती है। कई बार हमने ध्यान नहीं दिया, कई बच्चों की बो लेग्स होती है। Sometimes you feel some of the students are having a flat foot. ठीक है, ये सारी चीजें हैं। कई बार आपने देखा होगा कई बच्चे कंधा झुकाते चलते हैं, उनका होता है बच्चों का ही नहीं बड़ों का, वो क्योंकि फॉर्मेशन स्टार्टिंग में चेक नहीं होती, इसलिए वो जब बड़े बड़े हो जाते हैं स्पाइन जो है हमारी उसकी इंक्लिनेशन हो जाती है। कई बच्चे थोड़ा आगे को होकर चलते हैं, कई बच्चे जो हैं उनके या लोग जो हैं उनके स्पाइन की यहाँ से पीछे होती है, यहाँ से आगे होती है। ये क्या है, ये हमारे पोस्चर की डिफॉर्मेटीज हैं जिसके कारण हम किसी भी काम को प्रॉपरली नहीं कर सकते। Why? Because उसका एक राइट एग्जाम्पल देते हैं तुम्हें, तुम्हारा ही वो है हमारा नॉर्मली बेटा, आपको मैं अगर बोल दूँ ना अभी सीधे बैठो 3 मिनट बड़े मुश्किल से, या 2 मिनट बैठोगे उसके बाद दोबारा, What is this? पता क्या है, यू आर इन अ हैबिट ऑफ सिटिंग लाइक दिस। अगर मैं तुम्हें सीधा बिठाने की कोशिश करती हूँ, तुम उस पोस्चर में भी थकान फील करते हो, यू आर नॉट रिलैक्स इन दैट पोजिशन, क्योंकि स्टार्टिंग से हमने चेक ही नहीं किया अपने को किसे रहे? गेम्स तो पहले भी कर रहे हो, टीचर पहले भी बोलते हैं, चलने को पहले भी बोलते हैं, उससे भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है इनका क्या है, हमारे पोस्चर के खराब होने का, हमारी चाल, फैशन, fashion makes a people most of them in a deformative form. आज हीरो ने बोला था कि पैंट नीचे वाली पैंटी है, तो मैंने बार बार उसको ऊंचा तो कर लेना, करे मैं चलना ऐसे है, ठीक है, लो वेस्ट में मैंने ऐसे चलना, पैंट ना गिर जाए, वो चाल ही ऐसी हो जाती है। हाई हील में चलना है, चाल मेरी टेढ़ी मेरी, बिकॉज फैशन इज अ डिसकम्फर्ट। फैशन न होगा तो कम्फर्ट जोन नहीं आएगा, और कम्फर्ट जोन आएगा फैशन ही होगा, दोनों के लिए ना। टाइट स्किन टाइट पहननी है तो ऐसे ही चाहे रहे मेरी बॉडी, बाद में चाहे जब तक करूंगा तब तक खराब हो जाएगी। स्किन टाइट शर्ट पहननी है, यहाँ से फोल्ड कर,
यहाँ से आज गला बंद था कॉलर में, हीरो ने कहा था चाहे सांस आए ना आए एक बार तो ब्रेक डांस है ना। दीस आर व्हाट दिस हेल्प्स इन द डिफॉर्मिटीज। ये हम कभी इन चीजों के बारे में सोचते नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो हमारी रोजमर्रा की है, ये क्या फिजिकल एजुकेशन से थोड़ी रिलेटेड है, जबकि हमें नहीं पता है कि हमारी पोजीशन, हमारे पोस्चर को ठीक करने में या नहीं करने में ये कितने हेल्पफुल है, हमारी आउटपुट को देने में नहीं देने में ये कितने हेल्पफुल है। ये चीजों की अगर बचपन में या स्टार्टिंग इनफेंट टाइम में, बर्थ के बाद जब खड़े करना या पेरेंट्स के एक्साइटमेंट में बच्चे को बिफोर टाइम चलाना या खड़े करना या करना, उसमें मसल्स वीक हो जाती हैं, उनकी चाल खराब हो जाती है। हम कहते हैं शुक्र है चल रहा है, ये नहीं देखते कि अभी ये ऐसे चल रहा है बाद में इसकी पोजीशन ही खराब हो जाएगी। सो फॉर दैट उसे प्रॉपर करने में काफी हेल्पफुल होते हैं पेरेंट्स या घर के बड़े। हेल्थ एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉर दिस पर्पस, नॉट फॉर दिस डिफॉर्मिटी। हेल्थ एजुकेशन में हमें पता चलता है हमने वैक्सीनेशन बच्चे को बूस्टर लगवाना है, ये ड्रॉप सिलवाने हैं, ये टाइमली करना है, लग गया नहीं लग गया नहीं लग गया, उसी का रिजल्ट होता है। जब हम ऐड देखते हैं ना पोलियो की, दो बूंद जिंदगी की, तो नॉर्मली बच्चे दिखाते हैं, माल न्यूट्रिशन का दिखाते हैं तो ऐड आती है इन्हें डोनेट करो, जबकि हमें ये पता होना चाहिए माल न्यूट्रिशन कितने हमारे लिए खतरनाक चीज है, ठीक है ना। हम अपने हिसाब से इन चीजों को कभी लेते ही नहीं है, और ये क्या करते हैं, ये हमारा लॉस करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब पता चला ये चीजें क्या हैं? ये चीजों का पता चला, इसी में है